घी में पशुओं की चर्बी, वनस्पति ऑयल, आर्टिफिशियल कलर व फ्लेवर आदि मिलाकर करोड़ों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा था। इसलिए हमने 60 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी उपलब्ध कराया। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अनुसार देश में लगभग 19 करोड़ गाय। हम चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा हो और लोगों को गाय का शुद्ध घी और दूध मिले, यही हमारा संकल्प है। बिहार के नालंदा जिले का एक छोटा सा शहर है राजगीर, जिसकी ऐतिहासिक और पौराणिक महत्ता है। जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म को मानने वालों का ये तीर्थ स्थल है। खासतौर पर इस शहर का संबंध बौद्ध धर्म से है। भगवान बौद्ध की साधना भूमि राजगीर में ही है। वहीं पौराणिक साहित्य के अनुसार राजगीर ब्रह्मा की पवित्र यज्ञ भूमि, संस्कृति और वैभव का केंद्र है। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर ही थी, इस नाते इसका राजनीतिक महत्व भी है और आज भी ये महत्व बरकरार है, क्योंकि नीतीश कुमार बड़े फैसले लेने से पहले राजगीर आते हैं और यहीं से बड़े ऐलान करते रहे हैं। 2013 में भी नीतीश कुमार ने राजगीर आकर ही एनडीए कोटे के तमाम मंत्रियों को एक ही झटके में हटा दिया था और बीजेपी का साथ छोड़कर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ महागठबंधन को आकार दिया था। 2017 में नीतीश कुमार फिर राजगीर गए थे और यहां से उन्होंने महागठबंधन छोड़ने का निर्णय लिया था। इसके बाद वो एक बार फिर से बीजेपी के साथ हो लिए और बीजेपी के सहयोग से एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। अब बीजेपी से उनका मनमुटाव चल रहा है। बीजेपी के मंत्री कई बार नीतीश की जगह बीजेपी के विधायक को सीएम बनाना चाहते हैं। हिजाब, सीएए और जातिगत जनगणना पर भी मतभेद है, जबकि राजद से नजदीकियां देख बीजेपी नीतीश से नाराज है। इन हालात में केंद्र सरकार में मंत्री और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह की राज्यसभा सदस्यता को लेकर भी विवाद हो रहा है। दरअसल आरसीपी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और बीजेपी उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजने पर विचार कर रही है, लेकिन इसके लिए उसे जेडीयू का समर्थन चाहिए होगा। लेकिन जेडीयू आरसीपी को राज्यसभा नहीं भेजना चाहती है। ऐसे में ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है और नीतीश कुमार राजगीर दौरे पर चले गए हैं, जिसे माना जा रहा है कि बिहार में फिर सत्ता बदल सकती है। नीतीश राजगीर से कोई नया ऐलान कर सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के तेवर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी तथ्यों के आधार पर जिस अंदाज के साथ मोदी सरकार की खामियों को उजागर कर रहे हैं, उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ना तो लाजमी है। राहुल गांधी का सरकार पर वार बदस्तूर जारी है और उसी कड़ी में एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को लेकर जो विजन बना रहे हैं वो समावेशी नहीं है, उनका विजन देश की आबादी के बड़े हिस्से को बाहर करता है, ये अनुचित है और भारत के विचार के खिलाफ है। राहुल गांधी का ये बयान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ एक संवाद सत्र के दौरान सामने आया, जिसमें वो आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में शामिल होने के बाद पहुंचे थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपने विजन के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि राजनीति और नीति में बदलाव के लिए अपनी पार्टी में युवाओं के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस देश के लोगों को संगठित करने का प्रयास कर रही है ताकि वो अपनी आवाज उठा सके। इतना ही नहीं, उन्होंने महात्मा गांधी की राजनीति की शैली को समय की जरूरत बताया। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा, देश में बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, गांव के साथ साथ शहरों में भी बेरोजगारी से तबाही मच चुकी है। अब जिस अंदाज में राहुल गांधी बीजेपी और मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे बीजेपी का परेशान होना तो लाजमी है और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के लिए बेतुके बयान सामने आ रहे हैं और उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को अपनी आलोचना सुनना। जयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर में जो फैसले लिए गए उसे लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 कमेटियां बनाई हैं। इसमें एक कमेटी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बनाई है, जिसे टास्क फोर्स 2024 का नाम दिया गया है। इसके साथ ही देश भर के राजनीतिक मामलों को देखने के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप का गठन भी किया गया है। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप फॉर कोऑर्डिनेशन का गठन किया गया है, जिसमें सचिन पायलट को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। इसके साथ ही पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि राजस्थान में पायलट की भूमिका सीएम गहलोत से कम नहीं है। ये ग्रुप कश्मीर से कन्याकुमारी तक होने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का काम देखेगा। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से
राहुल गांधी के नेतृत्व में इस पदयात्रा की शुरुआत होगी। ये पदयात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक करीब 3500 किलोमीटर की होगी, जिसमें देश भर के लोगों से संपर्क किया जाएगा और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जन समर्थन जुटाने की कोशिश होगी। करीब 6 महीने तक चलने वाली इस यात्रा की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए 9 सदस्यों का सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप बनाया गया है। आपको बता दें कि चिंतन शिविर के तीसरे यानी अंतिम दिन पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान किया था कि आंतरिक सुधारों को लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी और अब इस पर काम शुरू हो